भाई था हमारा वो। नहीं देखे, रोने से कुछ होगा नहीं, न्याय के लिए इसके आए हैं। पता लगा तो दुख हुआ बहुत कि एक परिवार लगे तुम के घर हाथ पकड़ो। देखा दीदी, देखा भाई ये क्यों है? चुप हो गई भाई, माता चुप हो गई। अच्छा ये मार बच्चे ना तुझे। नहीं नहीं घबराइए मत, घबराइए मत, घबरा उनकी पत्नी पूरी माता रे बिना बेटा कोई गए ना, आप बिना भाई कोई गए। नहीं आप लोगों ने, आप लोगों ने, हम लोग आप लोग बहन रोइए मत, आप रोइए मत, रोइए मत। आप तू ही भैया आया मार। नहीं मैं, मेरा तो परिवार है बहन, ये मेरा परिवार है तभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे, ये परिवार है हमारा। नहीं नहीं शांत नहीं बैठेंगे, जिसने गलत किया है उसके उसको सजा दिलाई जाएगी। बैठा देगा ना बहन। देखिए नहीं नहीं देखिए दिक्कत कहाँ गया, अगर दूसरे जैसे ही हम लोग हो जाएंगे तो उनमें हम लोग ठीक बहन। आप भी आप घबराइए मत, सारे साथी थोड़ा पीछे आप पहले चुप हो, मुझे पूरा बताइए भाई क्या पीछे हो यार बात पीछे जो जा वहीं बैठ जा भाई, बैठो बैठ जाइए बैठ जा भाई, सभी लोग बैठ जाओ। आगे आगे पीछे पीछे भाई पहले पानी पिलाओ, आगे गिलास पानी मंगवाओ, गिलास पानी दे क्या पानी बेटा भाई पानी पी। आप सब नीचे है, आप सब फुट गए अभी जब कब ना जाओ वो की दी मैंने आप सब हैं एक दिन पहले मिले थे बोले थे कि तुम आ जाना तो हम तुम्हारा मामला खत्म करवा देंगे। तो सुबह 4 के आसपास बज रहा था तो हमसे जगा के बोले कि हम जा रहे प्रधान के यहाँ, अभी आएंगे सुबह 4 बजे जी। अच्छा तो फिर डेड बॉडी मिली, क्या है प्रशासन की क्या हुआ प्रोग्रेस भाई? यहाँ पे FIR हो गई, 7 लोगों में प्रधान जी भी शामिल है तो 5 लोगों का माँ है दादी। अच्छा नहीं दादी घबराइए मत, घबराइए मत। अच्छा अब फिर तो उसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 2 लोग तीन लोगों की है, तीन लोगों कितना समझ दिया प्रशासन ने? वो बोल रहे हैं कि अभी हम लगातार, अरे आप हाथ मत जोड़े ना, आप माँ है मेरी, भाई है भाई। मैंने उनको जो है 4 दिन का समय दिया था भाई, कुर्सी और दौड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए भैया। मौका दे दो यार, पीछे हम जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा अब आगे क्या है प्रशासन का, क्या कहना है भाई? 4 दिन हमने उनको समय दिया। अच्छा 3 लोग गिरफ्तारी होने के बाद किसी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, और हमने जब उनके पास फोन करा तो छानबीन कर रहे हैं, मामले को टाल मटोल कर रहे हैं, कोई ऐसी मतलब एक्शन नहीं ले रहा। हमने जो मांग रखी इनसे कि आर्थिक जो इनको परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद, 1 नौकरी, 1 पेट्रोल पंप का लाइसेंस और 2 बीघे इनके पास क्या नाम है जमीन, इतना हमने मांग रखा था। अभी एक भी चीज़ पे जो है प्रशासन ने वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, हमने आंदोलन का वो डेट रखा है कि अगर हम हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। बात करो सर, बात करो जी भाई, वो क्या है गिरफ्तारी मिला यार? आप भी बैठ देना, आप सामने खड़े आप बैठ देना, जब मुझे पता लगा जैसे मैं फ्री हुआ मैं फौरन यहाँ आया हूँ, सारा काम तो आप बेफिक्र हैं, परिवार का कभी नहीं छोड़ा जाएगा, बेचिंत रहे आप ठीक है, ये परिवार है तो हर दुख सुख दिलाइए एकदम नहीं, बिल्कुल इंसाफ दिला जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा,
दलित के खिलाफ ही हम लोग हैं। हमारे 6-7 बच्चे अनाथ हुए हैं, एक बड़े भाई का लड़का यही देख रहे थे, वो भी बड़े भाई भाभी खत्म हो गए, उनको भी यही देख रहे थे, उनको अब कौन देखेगा। 6 बच्चे इनके हैं, एक और 7 बच्चा है, तो हम बूढ़ी माँ है। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई, अच्छा। ये किसके सहारे रहेंगे, इनको कौन सहारा है, इनका कौन सहारा देखेगा, हम किस कौन भाई का हाथ पकड़ेंगे, किस भाई के सहारे हम जिएंगे। सात बच्चे अनाथ हो गए, छोटे छोटे, ये के है। अच्छा, ये केस वाली फाइल है? नहीं, केस वाली नहीं है। केस वाली फाइल है? हाँ, वो केस वाली फाइल। केस वाली फाइल भैया, केस वाली फाइल, केस वाली फाइल सोमनाथ बच्चे कोई लायक नहीं बने, कौन कमा के खिलाएगा इनको, कौन पढ़ाए लिखाएगा, सारे बच्चे अनाथ हो गए। अच्छा, हाँ, अभी तो पुलिस वाले हैं यहाँ पे, क्या प्रशासन वाले हैं? बुला रहे हैं, अरे रुक रहे हैं, जरूर बता दे रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं सामान? कोई ऐसा ही है, चाहे जहाँ ले जाए भाई, अगर कोई और बुलाओ उनके ले आए हैं। कब ले? कौन ले गया? इन्हीं लोग ले रहे हैं। अपना? हाँ, अपना ले जा रहे हैं। तब सबकर गिरफ्तारी सब फाइल उसी दिन। अच्छा, गिरफ्तारी उसी दिन हो गई। फाइल दे दे, वो सूरज, वो वाली फाइल लिफाफा में लगाइए। हाँ, और निकाल दो एफ आई आर कॉपी जितने आ गए। तो एस एस पी है कहाँ? प्रशासन के लोग नहीं है थोड़ा भाई, कुछ हम लोग हमारे साथ आप लोग बैठ जाए, महिलाएं देख रहे हैं बैठ रहे हैं, इन लोग अनुशासन में तो आप लोग भी दिखा दे यार, ठीक है? बैठ जाओ, आज भी बैठ जाओ, बैठ जाइए आप तो भाई लोग बैठ जाओ, आप लोग भी आराम से बैठ जाए। पीछे वाले लोग भी साथ सारे साथ आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये पीछे वाले तो आप पीछे के दरिया बना ले, आप घर में पीछे वाला थोड़ा से कब करो, थोड़ा पीछे वो पीछे फिस बोले बैठे रहो साहब से बात करनी है, कप्तान साहब से बात करना, चाहे यहाँ पे आप सर्कल ऑफिसर हो, उनसे बात कराइए भाई।
शांत नहीं रहेंगे आप लोग? देखिए कप्तान साहब को बताइएगा साहब हमारी ओर से जाकर। बैठ जाइए बैठ जाइए आप लोग। भाई आप लोग बैठ जाइए, आपके जेल में उतर जाएंगे, वहीं बैठ जाइए आप लोग। फिर कप्तान को भी डीआईजी को परेशानी शुरू हो जाएगी, फिर वो हमसे मदद मांगेंगे। मिला रहा हूं, खा नहीं रहे। ठीक है, अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ पर किसी भी अधिकारी को ना भेज करके वो न्याय को दबाएंगे तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं हो पाएगा। अगर हमारे आने पर ये हाल है तो हमारे पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति रही होगी? बस भैया वो है मांग, ये सोचनीय विषय है। अगर कप्तान साहब या आला अधिकारी इस मामले को हल्के में ले रहे हैं तो उनको सचेत कीजिए जाकर। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार सर यहाँ नसीरपुर में है, बात करना चाहते हैं। हाँ सर, परवीर यादव बोल रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें रतन सिंह जी आए हैं, आप उनसे थोड़ा सा बात करिए। जी शिव साहब नमस्कार, कैसे हैं साहब? आप साहब कुछ, ये तो ये जो मामला है तो चलो खैर मैं बाद में बात करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं यहाँ आया हूं, कुछ लोगों ने रास्ते में खूब बदतमीजी की है, कल कोई घटना घटित हो जाए फिर प्रशासन ये कहेगा कि भाई आप लोग भीम आर्मी के लोग मदद नहीं करते हैं, खड़े नहीं होते हैं। कम से कम तीन जगह बीच में कुछ लोगों ने गाड़ियां बीच में लगा लगा करके, बाइकें बीच में लगा लगा कर कार्यकर्ता से बदतमीजी की है। ठीक है साहब, दूसरा ये जी, दूसरा ये है कि ये जो नसीरपुर में जो घटना घटित हुई है इसका अब तक मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव रिजल्ट है। भाई पुलिस को पहले सूचना दी गई, उल्टा इन बच्चों पर ही और मुकदमे दर्ज करके पुलिस ने इनको ही प्रताड़ित करने का काम किया। अब कमाने वाला व्यक्ति घर में से चला गया। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? भाई हम ये कह रहे हैं कि इनके घर से कमाने वाला व्यक्ति चला गया है। मैं इस केस की अपडेट जानना चाहता हूँ कि इसमें गिरफ्तारी कितनी हुई है। हेलो हेलो, पैसा दावा है इसीलिए वो नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो, तो नेटवर्क और किसी फोन का देखे ना जिसका नेटवर्क आ रहा है, जियो का नंबर बताइए। नंबर बोलिए सर, नंबर बोलिए 94 44 94 44। 94 44 के बाद 13 82 13 82 मेरा नंबर है जियो का, जियो का नंबर ही है। अरे यार कहा बोला था, हमारे समझ में आया है। आप सब भैया शांत रहिए, आपके ही लिए आए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इतने दूर से सहारनपुर से चल के आए हैं। जी शिव साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। हम जो ना इस केस की अपडेट जानना चाहते हैं, इस केस की क्या अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं और कहां तक आपकी जांच पहुंची है? ये जो नसीरपुर वाला केस हुआ है, नसीरपुर है ना गांव, जो हत्या हुई है, ये जो हत्या हुई है नसीरपुर में, इस केस की अपडेट जानना चाहते हैं कि क्या अपडेट है। कौन साहब है सर आप? विनय रतन सिंह बोल रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी। विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी। जी जी बताइए। साहब हम तो कई दिन पहले सूचना आपको एसएसपी साहब को भिजवाए हुए हैं, हमने तो आपको बताया कि हमारे साथ तो आते हुए कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही है रास्ते में। अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, फोर व्हीलर चला आ रहा है, उसके बीच में टू व्हीलर बाइक रोक कर खड़े कर दी जाती है, उनको से रिक्वेस्ट की जाती है भाई हट जाइए। कहाँ नेवरी
जी, तो उसकी शिकायत सर आप लोग करते हो तो कहीं नहीं हो, सीएम को हमने भेज दिया है। अरे साहब एक बात तो बताइए, जब हमारे आने की सूचना पहले से यहाँ पर है तो कम से कम आपको कुछ तो व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि जो दो चार लोग हमारे साथ रहे जिससे कोई ऐसा उपद्रव ना फैल सके, ये भी तो जिम्मेदारी आपकी है भाई। जब पुलिस परेशान होती है तो हमें फोन करके कहती है भाई हमारी मदद करा दी, तो मदद कराई जाती है, लेकिन लेकिन जब हमारे लोगों को या हमें मदद की आवश्यकता पड़ती है तो तब पुलिस शांत हो जाती है, ऐसा कैसे? नहीं नहीं ये नहीं, चलिए खैर ये तो आप मुझे इसका केस का अपडेट बताइए, क्योंकि पूरा गांव भी आपको सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, और भी बहुत सारे हजारों लोग यहाँ पर हैं वो सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस केस का आप अपडेट मुझे बता दीजिए, इस केस के अपडेट क्या है? फोन से नहीं सर, ऐसे मिले तो हम बता देंगे सर, अगर जानना चाहे। कहाँ मुलाकात होगी आपसे? ऐसा है कि हम जो है करीब वही पूछिए एड्रेस जरा, ये आप अभी कहाँ हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे वहीं आके दे रहे हैं उनको स्वयं आना चाहिए, तो ये इसका मतलब आप टाल मटोल कर रहे हैं सर। यहाँ भी अभी तीन लोगों की जो उस दिन गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की, चार लोग और उसमें नामजद हैं। नहीं यहाँ आरोप आप पे लग रहा है, पैसा लेके वो कर रहे हैं यहाँ नहीं, सब लोग बोल रहे हैं, पूरा गांव सुन रहा बोल रहा, पूरा गांव सुन रहा आपको, पूरा गांव आपको सुन रहा है। सर कोई सुनवाई नहीं होती थी भाई, सारा लाइव जा रहा है पूरे प्रदेश में, कोई सुनवाई नहीं होती थी। उल्टे बच्चे को मारते थे, उल्टे वो भाई को बच्चों को बैठा भी लेते थे, उल्टा यहाँ हमारे बच्चों को आए हैं, आपका कोई भी सुरक्षा इंतजाम कुछ नहीं, आनापुर की हालत है। एक मिनट शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए सर, तो हाँ तो उसका अपडेट बताइए सर, नहीं तो हमको मजबूरन फिर सड़क पे उतरना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते आंदोलन आंदोलन करना। अपडेट बताओ, नहीं बताओ जहाँ है हम लोग वहीं आ रहे हैं, ज्यादा दफा हम बता रहे हैं। हाँ तो फिर आप कहोगे कि आपने गलत किया, फिर आप एक तरफ न्याय नहीं मिल पाता, दूसरे तरफ आप सब इतनी लापरवाही। अरे तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अध्यक्ष जी जानना चाह रहे थे, चलिए साहब शुक्रिया, अब यहाँ से आंदोलन की तारीख तय करके जाके सड़कों पर ही आपसे मिलेंगे। नहीं 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 ठीक सर, ठीक सर, शुक्रिया। अब फिर से एक आंदोलन होगा, बढ़िया नीचे बैठो यार, सभी लोग बैठो, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ सब लोग, शांति से सुनिए। देखिए बिना सोचे समझे किसी भी शब्द को मुंह से निकालना हम करता है, नहीं निकालेंगे। अरे भाई चुप रहो, बोल रहे थे जी। कितने दिन हो चुके इस घटना को? आप आंदोलन का किस दिन का समय फिक्स करना चाहते हैं? भाई शांत रहिए दो मिनट, शांत रहो, भाई संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे ना, संवैधानिक तरीके से जवाब देंगे, नहीं देंगे तो फिर शोर मत बताइए ना। आज आठ आज क्या तारीख है? दस दिन को दे देते हैं, ज्यादा है ना, एक मिनट भाई। यहाँ पर ये तो तय है कि प्रदेश और देश के अंदर दलितों की स्थिति क्या है, तय है। अगर हम जैसे मौजूद लोग आने के बावजूद भी प्रशासन बिल्कुल बात करने तक के लिए तैयार नहीं है तो तय हो चुका है, ठीक। अब क्योंकि मुझे लाइव के माध्यम से पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, अम्बेडकर नगर के साथियों ने 10 दिन का समय कहा है देने के लिए प्रशासन। भाई आप जाकर बताइएगा SSP साहब को, DIG साहब को भी मैं फैक्स करवाऊंगा कि 10 दिन का समय प्रशासन के पास है, या तो सारी गिरफ्तारियां करके जेल भेज दे, और ये जरूर बता दे कि वो व्यक्ति को अल्लू जल्लू पल्लू नहीं, तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता था। जब भीम आर्मी पूरे देश में पूरे देश के शोषित पीड़ितों के लिए लड़ सकती है तो अंदाजा लगाइए वो अपने कार्यकर्ता के लिए कहां तक लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। नहीं नहीं ठीक, अरे सही है, बहुत ज्यादा ये आंदोलन हल्का नहीं होगा ना, बीच में कमेंट ना करे कोई, आपकी टीम को तैयारी करने के लिए समय भी चाहिए, ठीक है। तब तक हम भी इस पर खूब शोर मचाएंगे, पूरे प्रदेश में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ये हो रहा है, सही।
मारा पीटा जाता है, हत्या कर दी जाती है और प्रशासन से लेकर सारे नेता मौन है, चुप है। और ये एक जगह नहीं हो रहा है, ये यही नहीं हुआ, ये हर दूसरे दिन हमारे साथ में भी हुआ है ऐसा। ये देखिए अंबेडकर नगर का एक और मामला भी है। हाँ ठीक है, आपने याद कराया, हमारे साथ में भी हुआ है। एक मिनट, एक बेटी के फोटो सिर का प्रयोग करके गलत उसकी वो फोटो बना करके गांव में बटवा दी जाती है। प्रशासन शांत रहता है, बताने के बावजूद भी हल्के में रहता है, क्योंकि दलित की लड़की है, कुछ भी गलत कर दो भाई ये चलेगा नहीं, बता दीजिएगा जाकर के। एसएसपी साहब बात नहीं करना चाहते, ना करे, सीओ साहब के पास कोई जवाब नहीं है, ना हो उन्हें कहिएगा कि प्रशासन की चाटुकारिता ज्यादा ना करे, बिल्कुल ना करे। अगर वो शासन की चाटुकारिता करेगा तो हम सड़कों पर आएंगे। और ये भली बात ही जानते हैं पूरे भारत के लोग, विदेश के लोग भी, कि लाठी डंडों से डर नहीं लगता हमें, बिल्कुल नहीं लगता। बता दीजिएगा 8 तारीख को हमारी टीम आ रही है और आंदोलन करने आ रही है, कमर कस ले, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार। दूसरा, देखो यही तो बड़ी बात है, हमारे लोगों में, समाज के लोगों में जरा सा कुछ हुआ नहीं एकदम से। माता जी बैठिए, बड़ा परेशान है, माता जी बैठिए, आप लोग बैठिए जरा भाई। ये ताली बजाने की जगह है क्या? नहीं, एक भाई हमारा चला गया है, ताली बजाने की जगह? शर्म करो यार, सहमत करो भाई। इस घर की जो बेटी है, क्योंकि वो मेरे भाई था, मेरा कार्यकर्ता था, उस बेटी की शादी की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी मतलब भीम आर्मी टीम की है भाई, चंद्रशेखर आजाद की है। इस बेटी की शादी की परवाह करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, इसकी शादी हम खुद करेंगे। परिवार के लोग तो हमें सिर्फ लड़का देख कर बता देंगे कब इसकी शादी करेंगे, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल बाद तब भी, ठीक है। और मैं अपनी बहन से वादा करता हूँ, चुप नहीं बैठूंगा जब तक न्याय ना दिला दूं से, पूरी ताकत लगूंगा जितनी क्षमता है। अगर उसके लिए मुझे भी जेल जाना पड़ा, मुझे भी मरना पड़ा, तो मैं तैयार हूँ, मेरी टीम का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। मेरा निवेदन है प्रशासन के लोगों से, क्योंकि यहाँ सिपाही खड़े हुए हैं और ये मुझे पता है, ये बखूबी की ये भी हम में से कुछ लोगों के परिवारों के लोग हैं भाई, आपसे निवेदन है, आप जाकर के बता दीजिएगा कि ये आए थे, देखिए घोषणा कर गए 8 तारीख को आंदोलन होगा ही होगा, किसी भी कीमत पर होगा और खूब शोर मचा के होगा अच्छी तरीके से। माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी सूचना भिजवाइएगा कि दलितों की ये स्थिति अगर रहेगी कि उनके परिवार के लोगों की हत्या होगी और वो चुपचाप बैठ करके वहां बैठकर आनंद लेंगे इसी कमरे में, तो ये नहीं चलेगा, किसी कीमत पर चलेगा नहीं। तो सब साथी जो है ना तैयार रहे, कितने लोग हैं अम्बेडकर नगर के? अभी है 8 तारीख में जो है ना, आपसे 10 गुना लोग होने चाहिए, बिल्कुल हो जाएंगे। इनको ये बताना है कि यहाँ किसी के बाप का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है इस देश के अंदर, इस देश में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिधर जनता चाहेगी उधर न्याय लिया जाएगा, अगर न्याय नहीं किया जाएगा तो आर्टिकल 19 के तहत हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, ठीक। आप जाकर के इसकी आंदोलन की प्रक्रिया पूरी कर लीजिएगा, डीएम को, कलेक्टर को, डीआईजी महोदय को सौंप दीजिएगा और एडीजी महोदय को भी करिएगा, चेक करके, ठीक है, ठीक ठीक। दूसरा, किसी को भी कोई लड़ाई झगड़ा और दंगा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो सिर्फ मुंह से जय भीम करके ताली बजा देंगे, लेकिन ये मौजूदा सरकार प्रशासन को आदेश करके हम लोगों पर लाठीचार्ज करवा देती है, यही हुआ मुकदमा, अधिकतर यही होता है। अभी पीछे हुआ है, परसों औरैया में हुआ है, उससे पहले जौनपुर हुआ था, उससे पहले शायद एक बार गाजीपुर भी हुआ है, यहाँ भी हुआ। सहारनपुर में हमारे साथ भी यही हुआ था, सिर्फ न्याय की मांग करने पर लाठीचार्ज हुआ था कि लाठीचार्ज कर दीजिए तो इनको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। तो मेरा सब लोगों से निवेदन, सब लोग पढ़े लिखे है ना, न्याय चाहिए ना, लड़ाई जीतनी है ना, 10 डंडे अगर कमर पर पड़ जाएंगे तो भागोगे तो नहीं, बिल्कुल हमें न्याय चाहिए और न्याय के लिए ही हम सड़कों पर उतरेंगे। लड़ना में किसी से है नहीं ना, हमारी लड़ाई प्रशासन से है ना किसी और से है, हमारी लड़ाई उन लोगों से जो गलत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है 8 तारीख के लिए पूरी मजबूती से मेहनत होगी और मेहनत करने के बाद मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। ये निखिल राव जो है छोटे भाई और ये प्रवीण यादव जी, ये यहाँ नेतृत्व करते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी कहाँ हैं, ये हमारे सुनील सिंह जी जिलाध्यक्ष जी, ये यहाँ नेतृत्व करते हैं,
इन्हीं के निर्देशानुसार यहाँ के आंदोलन को लीड किया जाएगा, ठीक है। सब लोग इनके संपर्क में रहेंगे, मुझे लगता है कि निखिल के और इन सब लोगों के नंबर सब जगह है। आपसे बस प्रशासन के लोगों से निवेदन और है, वो कहाँ है भाई बुढ़िया, आप आज 1 मिनट के लिए आ गए। पिछले 1.5 साल से जो है ना, इनकी बेटी का, इनकी मामा, इनकी पत्नी का रेप भी किया गया, पूरी बात सुनिएगा। और इनकी पत्नी का चेहरा निकाल करके न्यूड फोटो पे लगा करके वो बटवाए गए, ठीक। हालांकि उसको प्रशासन ने बहुत हल्का वो करते हुए जेल भेजा। इन्होंने मुझे बताया कि सीओ साहब ने इनको ये भी कहा कि भाई ले देकर फैसला कर लीजिए। वो गुड़िया रो रही थी और वो ये कह रही थी कि मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार होकर मुझे न्याय नहीं मिलता। तो जो अपराधी है वो बीजेपी का संरक्षित व्यक्ति है। निवेदन ये है कि प्रशासन के लोगों को कहिएगा इतना गलत जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेटी अरे वो आप चुप रहिए ना, प्रूफ हमने देख लिए हैं वो। हम देखिए, किसी बेटी बहन या किसी महिला के साथ इतना गलत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि ये लोग कल अपनी शराफत छोड़ दें और फिर पता लग रहा है कि आप इन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं, इन्हीं को पिट रहे हैं, इन्हीं को जेल में डाला जा रहा है। ये सार्वजनिक तौर पर मैं बोल रहा हूँ। तो जाकर के प्रशासन के लोगों को कहिएगा, उन सीओ साहब को भी कहिएगा कि अगर इनकी जगह उनकी काश बेटी हो, उनकी पत्नी हो या उनकी बेटे की बहू हो, तो उनके मन पर कैसी बीतेगी जब वो देखेंगे। मैं लिख कर देता हूँ, अगर आप वो फोटो देखेंगे रो पड़ेंगे सारे के सारे लोग। ऐसी स्थिति उस गुड़िया की है। तो मेरा निवेदन जाकर सूचना दीजिए, ठीक है सर। ये जो यहाँ आलापुर के SHO हैं, ये मतलब बीज जो है ये इन्हीं के बोया गया है, ये इन्होंने मतलब जो हमारी कभी सुनी नहीं। और देखिए, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि SSP साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, CO साहब के पास जवाब नहीं है, तो यहाँ के सरकारी माफी चाहूंगा, सरकार के आगाओं का बड़ा प्रेशर है, समझ रहे। जब सरकार का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए, जब ये लगने लगे कि नहीं अब तानाशाही चरम सीमा पर है, तो फिर आपको सड़क पर उतर कर आवाज उठानी चाहिए, मजबूत से उठानी चाहिए। भीम आर्मी पूरे देश में यही कर रही है भाई। एक तो हथियार है हमारे पास भाई, सड़क पर चलेंगे और क्या है भाई। एक व्यक्ति हमारा मर गया है, 5-10 और मार दो भाई, प्रशासन का तो काम है ना, ये गोली मार देगी, 50-100 को जेल भेज देगी, भेज दो चलेंगे भाई। जेल में तो इंसान रहता है या जानवर रहते हैं? अगर आज भी हम अपने आत्मसम्मान के लिए ना लड़ पाए तो लानत है यार हम लोगों पर, बिल्कुल लानत है। लड़ी जाएगी, लड़ाई मजबूत लड़ी जाएगी, लेकिन पूरे संवैधानिक दायरे में लड़ी जाएगी, सूचना करके अधिकारियों को लड़ी जाएगी। जो कल ही अभी हम पे गोली चलाए तो इतिहास से याद रखा जाए देश के अंदर कि पूरे संवैधानिक दायरे में चलने वाले भीम आर्मी के लोगों पर लाठी डंडे गोलियां प्रशासन ने चलाई थी, सरकार के सारे पर चलाई थी, ये याद रखे रखा जाएगा, ठीक। और अम्बेडकर नगर जिला हमारा कोई कमजोर जिला नहीं है, ये 6-6 महीने जेल लगाए हैं, पूछिए ये डरते हैं क्या जेल जाने से? नहीं डरते हैं। तो भाई आगे भी जेल जाने से नहीं डरा जाएगा, हम सब तैयार हैं। बस जाकर के आप अपने गांव में गांव के लोगों को बताइएगा ये मामला है, न्याय चाहिए, बिल्कुल ठीक है बहन। हाँ, ज्यादा बड़े बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन परिवार के साथ बहन भीम आर्मी पूरे तन मन धन के साथ खड़ी है। जब जब परिवार को जरूरत होगी तब तब भीम आर्मी का कार्यकर्ता यहाँ आएगा, पूरी मदद करेगा। पति खो चुके हैं, बेटा खो चुके हैं, बच्चे बाप खो चुके हैं, भाई खो चुके हैं, क्या हम लोग के अंदर रह गया है? न्याय की मेरी जिम्मेदारी है ना, ले ली ना, बेटे की जिम्मेदारी मेरी है, वो उनकी बेटी, मेरी बेटी है, ठीक है। बच्चे और चुके हैं। मैं उसकी शादी करूंगा, 100% तय शादी करूंगा भाई। अगर ये पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको नौकरी लगनी है, इनको कोचिंग करनी है, तो वो ये बताए उसकी व्यवस्था की जाएगी। इनको काम करना है वो ये बताए इसकी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, आप भी अपना 2 मिनट में काम खत्म कर लीजिए दोस्त। अच्छा, ये पेपर मैं ले जाऊं? नहीं नहीं, बस आइए, बस लीजिए फटाफट फटाफट। देखिए, अरुण कुमार की हत्या हो गई, कर दी गई है। इसमें जो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे साथियों ने जो गिरफ्तारी की मांग की, जो मुआवजे के लिए कहा गया था भाई, इसको पीड़ित परिवार की मदद किया, मुआवजा क्या मदद है भाई, खाने के लिए कुछ नहीं, आप घर की स्थिति देख रहे हैं। तो प्रशासन जो है ना वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। सीधा सीधा सा मामला देखिए, सरकार जो है चाहती है कि इस देश में दलित रहे ही ना,
देखिए आप प्रशासन ये समझने लगा है ना, देखिए चुनाव नजदीक है, प्रशासन की थोड़ी है भाई, वो अब सरकार के सारे पे चला, जो सरकार करेगी ऐसे वो करेगा, ठीक, वो आंदोलनों को उग्र बनाने के चक्कर में लगा रहेगा, ठीक है, प्रशासन को चाटू काटता कर दिया सरकार की करे, लेकिन हमारे तो घर परिवार का भाई गया हुआ है, हम तो लड़ेंगे, ठीक है। 8 तारीख की घोषणा हो चुकी है, 8 तारीख में भीमारवी पूरी मजबूती से टीम पूरी उतरेगी यहाँ पर और न्याय की मांग करके, उससे पहले गिरफ्तारी कर जेल भेज दें प्रशासन, उससे पहले गिरफ्तारी कर और जेल भेज दे और बता दे कि भाई इतना समय हमको लगेगा सरकार से बात चल रही है इन बच्चों की मदद करने के लिए, तो हम शांत होंगे वरना हम रुकेंगे नहीं। सर आपने कुछ मांग यहाँ पे किया था? जी हमने प्रशासन से